प्रेम है क्या? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वास्तव में प्रेम का मूल क्या है, प्रेम का मनोविज्ञान क्या है। मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, और जन्म लेते ही माँ से उसका संबंध टूट जाता है। 9 महीने तक लगातार माँ के शरीर के माध्यम से समस्ति से अस्तित्व से जुड़ा था, और उसका संबंध टूट जाता है। एक अलग इकाई एकाएक इस विराट अस्तित्व में यात्रा करने के लिए निकल पड़ती है अकेली, जो अब तक माँ के सहारे सारे संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ी हुई थी, अब अकेले वो छोटी सी इकाई विराट अस्तित्व में यात्रा को निकल पड़ती। उस यात्रा में निकल पड़ने के बाद एक प्यास उसके प्राणों में पैदा होती है कि जहाँ से टूटा था उस समष्टि के साथ, समस्त के साथ एक हो जाए, अपने मूल स्रोत को उपलब्ध हो जाए, उस मूल स्रोत से जुड़ जाए, उससे एक होने की प्यास, उस प्यास का नाम प्रेम है, जो विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। एक सागर की बूंद छलांग लेती है, भाप बनकर आकाश में उड़ जाती है, वो बूंद फिर सागर से मिलने की स्वाभाविक प्यास पैदा कर लेती है, उस प्यास का नाम प्रेम है। जैसे एक रेत का कण समुद्र तट से हवा में उड़ता है और हवाएं दूर उड़ा ले जाती है उसको, वो रेत का कण फिर से समुद्र तट पर पहुंच जाना चाहता है, उस पहुंच जाने की प्यास का नाम प्रेम है। यानी जहां से तुम टूटे हो, वह माँ के शरीर से जुड़े थे, और माँ का शरीर तो माध्यम था, सारा अस्तित्व माँ के माध्यम से तुम्हें ऊर्जा दे रहा था, तुमसे जुड़ा था, फिर से उस मूल स्रोत से जुड़ जाने की प्यास का नाम प्रेम। प्रेम की आकांक्षा का मूल है समस्त के साथ एक हो जाने की आकांक्षा। ये जो पार्थक्य है, ये जो अलग हो जाना है, ये पीड़ा देता है। इसीलिए जो स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो संभोग की ललक, संभोग की चाह, संभोग की प्यास होती है, वो प्यास सिर्फ मूल रूप से एक हो जाने की प्रक्रिया का अंग है। जिस तरह से पार्थक्य हुआ था, जहाँ से अलगाव हुआ था, उससे एक हो जाने की क्रिया का प्रतीक है, उसका अंग है, उसी का परिणाम है। और ये मूल के साथ, मूल स्रोत के साथ, जिसे हम कहते हैं अस्तित्व, या जिसे हम कहते हैं परमात्मा, जहाँ से हम आए हैं, उस मूल स्रोत के साथ एक हो जाने की प्यास ही प्रेम बन जाती है। इसीलिए अध्यात्म के विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, महामुद्रा। महामुद्रा का अर्थ होता है अध्यात्म की चरम सीमा। जब व्यक्ति उस महामुद्रा की अवस्था में होता है, तब परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है, यानी परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। और कब होता है महामुद्रा की स्थिति में? जब उस व्यक्ति का वो इकाई जो माँ के शरीर से अलग हो गई थी, जब वो इकाई इस विराट अस्तित्व के साथ, समस्त के साथ एक हो जाती है, जब उसका तार संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ जाता है, जब उस व्यक्ति की ऊर्जा संपूर्ण अस्तित्व की ऊर्जा के साथ वैसे ही स्पंदित होने लगती है, जैसे एक व्यक्ति की ऊर्जा स्त्री के साथ संभोग के समय स्पंदित होने लगती है, वैसे व्यक्ति की ऊर्जा संपूर्ण अस्तित्व के साथ जुड़कर स्पंदित होने लगती है, उसे हमने महामुद्रा या महासंभोग की स्थिति कही, जिसका परिणाम है परमात्मा, जिसका परिणाम है परम आनंद, जिसका परिणाम है आत्म साक्षात्कार, जिसका परिणाम है मुक्ति, जिसका परिणाम है मोक्ष, जिसका परिणाम है भगवत्ता की स्थिति को उपलब्ध हो जाना, जिसे हम कहते हैं महावीर, जिसे हम कहते हैं बुद्ध, जिसे हम कहते हैं कृष्ण, जिसे हम कहते हैं क्राइस्ट। वही मैं इशारे देता हूँ कि उसी अवस्था को तुम उपलब्ध हो सकते हो। उपाय है, भीतर के जगत में 24 घंटे में घंटे भर ध्यान का अभ्यास करो, और बाहर के जगत में प्रेम को फैलाओ। मनुष्य के संपूर्ण जीवन में प्रेम का अनुभव सिर्फ इस एकता की खोज का परिणाम है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस एकता की खोज में मनुष्य पूरा का पूरा असफल हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे प्रेम असफल हो जाते हैं, ये प्यास
एक होने की प्यास, एकता की प्यास कभी परिपूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाती है। कोई प्रेम इस जीवन में सफल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम प्रेम की भूखे ही रह जाते हैं। अगर प्रेम सफल हो जाए तो परमात्मा उपलब्ध हो सकता है, अगर प्रेम सफल हो जाए तो जीवन से कलह, अशांति, उपद्रव समाप्त हो जाते हैं, अगर प्रेम उपलब्ध हो जाए तो जीवन की तरंग ही पूरी पूरी बदल जाती है।